Assalamu alaikum viewers, main hoon Sitara Naya and welcome to my channel Mother's Guide. Jaise ki aap jante hain ki hum weekly pregnancy ko describe kar rahe hain aur agar last video aapne dekhi ho to wo 25th hafte ke mutalliq thi. Isme humne koshish ki thi ki aapko tamam information provide karein jo 25th hafte se related ho. Aaj jo hamari video hai wo us next week yani ki 26th hafte se mutalliq hai. आपसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपको कोई और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या आपकी कोई और प्रॉब्लम है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में सजेस्ट कीजिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट 26th वीक ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि हमल के 26वें हफ्ते से मतलब मुकम्मल मालूम. तो पहला जो टॉपिक हम डिस्कस किया करते हैं वो फीलिंग्स होता है जो इस वीक में एक प्रेग्नेंट औरत महसूस करती है. तो जो पहली फीलिंग उसको महसूस होती है वो उसके बारे में है कि उसको ट्रबल स्लीपिंग होगी यानी कि सोने में दुश्वारी होगी. ये जो सोने में दुश्वारी है वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकती है और डिलीवरी के खौफ की वजह से भी हो सकती है, गैस या ब्लॉटिंग, गैस या अपहारा. तो ये फीलिंग जो कंसिस्टेंट आ रही है पहले से ये भी कैरी ऑन रहेगी और इसमें आपको अपना पेट खिंचा हुआ या तना हुआ महसूस हो सकता है. इसके अलावा ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस यानी कि पेट में कुछ इस तरह के क्रैम्प्स पड़ेंगे जिस तरह के मेंसेस में हुआ करते हैं. तो इनकी ये सिर्फ इस वजह से होते हैं कि आपका पेट साइज़ में बड़ा हो रहा होता है और इसको खिंचाव की प्रॉब्लम होती है. इसके अलावा जो प्रॉब्लम आपको पेश आती है वो कूल्हों में दर्द की है. कूल्हों में भी दर्द आपके हो सकती है क्योंकि आपका जो प्रेशर है कई फीमेल्स का ज़्यादा कूल्हों की तरफ होता है और जब यूट्रस बाहर की तरफ ग्रो करती है तो उनके कूल्हों में दर्द होती है. स्वेलिंग यानी कि सूजन यानी उसके मुख्तलिफ हाथ पाँव में, एंकल्स में और फिंगर्स में सूजन हो सकती है. इसके लिए टेस्ट होता है कि आप इसको फिर प्रेस करके रखें, अगर वहाँ घड़ा पड़ जाए तो इसका मतलब है कि आपको सूजन की प्रॉब्लम है. हेडेक यानी कि सर में दर्द, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी आपके सर में दर्द हो सकता है, ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होने की वजह से भी सर में दर्द हो सकता है, लेकिन मिग्रेन भी हो सकती है जो कि आधे सर का दर्द होता है जिसको उर्दू में दर्द शिकवा भी कहते हैं. इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रॉपर नींद लें और जब भी आपको दर्द हो तो आप अपना स्टमक फिल रखें और नींद पूरी करें. ब्लर्ड विजन यानी कि धुंधला नज़र आना, तो कई दफ़ा आपको उठते हुए या कोई काम करते हुए चक्कर आ सकता है या कुछ चीज़ें धुंधली नज़र आ सकती हैं, तो ये एक टेम्प्रेरी साइड इफ़ेक्ट है, इससे आपने घबराना नहीं. क्लम्सीनेस ये है तोज़न खो देना, चूँकि अब आपकी यूट्रस ग्रो करती है तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है, इसकी वजह से आप उस तरह से चलते नहीं जिस तरह पहले चल सकते थे, आप थोड़े से डाउन डाउन होते हैं और तो कुछ अर्से बाद आपको इसी हालत में ग्रिप आ जाती है, इसलिए आपने इसे भी घबराना नहीं. प्रेगनेंसी ब्रेन यानी हमल में दबाव, ये कुछ ऐसा चेंज होता है इस वीक में कि आप रखी हुई चीज़ें भूल सकते हैं, कुछ पुरानी बातें भूल सकते हैं, ये सिर्फ वक्ती चेंज है और ये इस वीक से रिलेटेड है. डिक्रीज इन टीयर प्रोडक्शन यानी कि आंसुओं में कमी, हारमोन्स की वजह से आपके जो आंसू बनाने वाले ग्लैंड हैं वो आपके आंसू कम सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से आंखें ड्राई हो जाती हैं और उसमें ख़ारिश भी महसूस हो सकती है. स्ट्रेस एंड एनजाइटी यानी कि जहनी तनाव, और ये एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस है जो आपको इस स्टेज में हो सकती है, आप परेशान रह सकती हैं, इस चीज़ को आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करें. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब की नाली में इन्फेक्शन, इसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को चेकअप करवाएँ और वो आपको जो एंटीबायोटिक दे और जो कोई एहतियात दे उसको आप फॉलो करें, इसका आपने अपना अंदाज़ा ख़ुद लगाना है. इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर यानी कि फशारे खून में इजाफा, तो आपका ब्लड प्रेशर तकरीबन 140/90 हो सकता है, ये ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से भी होता है और हार्मोन्स की वजह से भी होता है, इसलिए आप इसके लिए प्रिकॉशंस लें. साइज़ ऑफ बेली यानी कि 26 वीक में हमला औरत का पेट कितना होता है, तो हम इस चीज़ को एक डायग्राम के ज़रिए मेयर करते हैं और जैसे आप जानते हैं कि ये डायग्राम एक ही फीमेल की है जो मुख्तलिफ ड्रेसेस में आपको नज़र आ रही है, इससे ताकि आप अंदाज़ा कर सकें कि इस वीक में आपके बेबी का साइज़
कितना होगा और आपकी बेली का साइज़ कितना होगा। साइज ऑफ बेबी यानी कि जो बच्चे का हुजन है, हम हर वीक में इसको डिस्कस करते हैं और ये आपका वेरी हॉट क्वेश्चन होता है क्योंकि आप सबसे ज़्यादा क्यूरियस भी इसी के लिए होते हैं कि आया हमारा बेबी कितने साइज का हो चुका है। तो अगर हम उसको सब्ज़ी के साथ कंपैरिजन करें तो जो एक कैबेज होता है यानी कि बंद गोभी का जो फूल होता है उसका जो साइज़ होता है ये एक मीडियम साइज़ आप देख रहे हैं, ना ये बहुत छोटी है ना बहुत फुल साइज़ की है, ये एक मीडियम साइज़ का बंद गोभी का फूल है। इसके अलावा स्वेट के जितना साइज़ भी हो सकता है, एक बड़े शलजम के साइज़ का भी आपका बेबी हो सकता है, डिफरेंट चीज़ों से आपका कंपैरिजन होता है। इसके अलावा जो एक अगर आप मैकडोनल्ड वगैरह में जाएं तो एक चिप्स का जो बड़ा पैक होता है उसका साइज़ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये सारे एक रफ मेजरमेंट्स हैं। अगर हम बेबी के एग्जैक्ट मेजरमेंट्स की तरफ जाएँ तो हम उसकी लंबाई और उसके वज़न दोनों को डिस्कस करेंगे। और लंबाई में अगर आप देख सकते हैं कि जो एग्जैक्ट उसकी मेजरमेंट्स हैं वो तकरीबन 35.6 सेंटीमीटर लेंथ में होगा और 14 इंच तकरीबन होगा इसमें साइज, इसका इंचेस में साइज़ होगा। और अगर हम वज़न डिस्कस करें तो वज़न उसका तकरीबन 1.61 LB होगा या 22 पाउंड के करीब होगा। तो आप देख सकते हैं कि अब ये वज़न भी बढ़ना शुरू हो गया है और साइज़ भी बढ़ रहा है बेबी का। अब बेबी ने करना भी सिर्फ यही है कि उसने सिर्फ वेट गेन करना है और उसने हेल्थ गेन करनी है। चेंजेस इन बेबी यानी कि बच्चे में इस स्टेज में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं। जो वेरी फर्स्ट जो चेंज है बेबी में अगर हम उसको डिस्कस करें डायग्राम्स के ज़रिए, तो ये है कि बेबी ने अपना जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप कर लिया है, यानी कि बच्चा अपना जो दिफाई निज़ाम है उसने उसको क्रिएट कर लिया है। अगर इस स्टेज पे अगर सडन आपकी डिलीवरी हो जाती है तो बच्चा अपने आप का दिफा कर सकता है और उसके सारे पार्ट्स प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। तो एक इम्यून सिस्टम जो बेबी का अल्लाह की तरफ से होता है वो इस स्टेज के ऊपर डिवेलप हो जाता है, यानी कि अगर आप कहें तो इस स्टेज के ऊपर बेबी प्रिपेयर है कि वो डिलीवर हो सकता है, लेकिन वो साइज़ में छोटा होगा और वीक होगा। इसके अलावा जो बेसिक चेंजेस बच्चे में 26वें हफ्ते में आते हैं वो है कि बेबी अब अपनी आँखें खोल सकता है। अभी तक जितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं उसमें आपको बताती रही हूँ कि बेबी की आंखें बंद होती हैं, लेकिन अब इस स्टेज में बच्चे ने आंखें खोल ली हैं, लेकिन उसकी जो आंखों के अंदर का पिगमेंट है वो अभी तक प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बन गया है लेकिन एग्जैक्ट उसकी कलरेशन नहीं नज़र आती। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आइज़ खुली हैं और सारी वाइट कलर की नज़र आ रही हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आयरस उसका बन तो गया है और काम भी कर रहा है, लेकिन उसका सिर्फ कलर पिगमेंट अभी डेवलप होना बाकी है। तो बाकी कुछ हफ्तों में ये भी कंप्लीट अपना कलर ले लेगा और ये जेनेटिक होता है। बेबी प्रैक्टिसेस ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट, बच्चा हर तरह की हरकत की मशक करता रहता है आपकी फॉर्म में। इसमें उसकी जंपिंग हो सकती है, किक हो सकती है, उसका रोलिंग हो सकती है, उसकी हाथों की मूवमेंट हो सकती है, उसकी हेड की मूवमेंट हो सकती है, यानी कि वो अपने तमाम बॉडी पार्ट्स को हिला जुला कर उसकी कंप्लीट मूवमेंट स्टेबल हो जाती है और ये सारी मूवमेंट्स उसके सारे बॉडी पार्ट्स के प्रॉपर होने की निशानी होती हैं। इसलिए आपकी जितनी ज़्यादा बेबी की मूवमेंट आपको महसूस होगी आपका बेबी उतना ही हेल्दी होगा। और अगर आपको ज़्यादा महसूस नहीं होती मूवमेंट तो आपको इसका टेस्ट करवाना चाहिए। बेबी रिस्पॉन्ड इन हेयरिंग यानी कि पहले तो आपको मैं बताती रही हूँ कि बच्चे का कान डेवलप हो चुके हैं, उनका इंटरनल ईयर, मिडल ईयर और आउटर ईयर सब डेवलप हो चुके होते हैं, लेकिन अब तक मैंने आपको ये नहीं बताया था कि अगर इस स्टेज पर आप अपने बच्चे से बातें करें या उसको किसी पर्टिकुलर नेम के साथ बुलाएँ तो वो आपकी आवाज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप कोई क्विक मशीन या ऐसी चीज़ चलाएँ तो उसके ऊपर भी अब्रप्ट मूवमेंट करता है और अपनी हरकत से ये आपको शो करवाता है कि मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। इसीलिए इस स्टेज पे औरतें ज़्यादातर कुरान की वर्सेस पढ़ती हैं अब आवाज़ें बुलंद ताकि उनकी बेबी की हेल्थ के ऊपर अच्छा असर हो और वो अच्छी बातें सुने।
हार्ट बीट ऑफ बेबी यानी कि बच्चे की धड़कन, तो अब से पहले तक बेबी की धड़कन तकरीबन 180 बीट्स थी पर मिनट, लेकिन अब उसकी जो हार्ट बीट है वो पहले से कम हो जाएगी, वो तकरीबन 140 से 150 मिलीमीटर पर मिनट हो जाएगी। तो ये इसमें जो चेंज आया है वो इसलिए है कि जो जो साइज़ ग्रो करता है बेबी का, उसकी हार्ट बीट कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जितना छोटा वजूद होता है उतनी जल्दी ब्लड सप्लाई होकर वापस आता है, और जो जो वजूद बढ़ना शुरू करता है तो हार्ट बीट कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब वो एक नॉर्मल बेबी की स्टेज पे आएगा तो उसकी इससे भी कम हो जाएगी। अल्ट्रासाउंड भी हम डिस्कस करते हैं डायग्राम्स के ज़रिए। अल्ट्रासाउंड में आप बेबी का हेल्थ देख सकते हैं, मूवमेंट देख सकते हैं, उसकी ग्रोथ देख सकते हैं और उसके जेंडर देख सकते हैं। अगर अल्लाह माफ़ करे कोई बेबी में अबनॉर्मलिटी हो तो वो भी स्टेज में नज़र आ जाती है। और अगर आप जो प्रेगनेंसी है जुड़वा है या आप ट्विंस कैरी कर रही हैं तो आपको इस तरह से दो तरह के बच्चे दिख सकते हैं अल्ट्रासाउंड में। ये एक बड़ा अच्छा अल्ट्रासाउंड की पिक है जिसमें इजीली आप दो बच्चे देख सकती हैं। तो अगर स्टेज पे फीमेल ये जानना चाहे कि उसको क्या खाना चाहिए, तो सबसे पहले तो उसको उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने डेली डाइट में पानी का इस्तेमाल करे। पानी जो है वो तकरीबन, पानी की मैं बाद में बात आपसे करती हूँ, पहले फाइबर इनटेक की बात कर लेते हैं कि फाइबर वाली गिजाएँ खाएँ। जैसे कि होल व्हीट में 6 ग्राम तक फाइबर होता है, एक केले में तकरीबन 3 ग्राम तक फाइबर होता है। तो इस तरह की खुराक लें ताकि आपके जिस्म में कॉन्स्टिपेशन भी ना हो और एक हेल्दी आपकी है गिज़ा हो। दिन में आपने 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना है, क्योंकि आपके ब्लड वॉल्यूम के लिए भी ये ज़रूरी है और आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। और आपका ये सारा कुछ खाने पीने के बाद जो वज़न गेन होना चाहिए वो तकरीबन 16 से 22 पाउंड वेट होना चाहिए। ये एक नॉर्मल वेट गेन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ट्विंस कैरी कर रहे हैं तो आपका जो वेट है वो 27 पाउंड से 42 पाउंड तक बढ़ना चाहिए, यानी कि 27 से 42 पाउंड तक आपका वज़न बढ़ना ज़रूरी है। ये शो करेगा कि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी को लेकर चल रही हैं। इस स्टेज में आपको क्या क्या करना चाहिए, तो इसमें आपको मैं 3 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो आपने ज़रूर कर लेने हैं इस स्टेज में। जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है वो है कि डू योर मैटरनिटी वार्ड, यानी कि जचा वार्ड का मुआयना कराएं। जिधर आपने सोचा है कि आपने बेबी डिलीवर करना है तो आप उसका मुआयना कराएं, ताकि आप उससे एक्वेंट हो जाएं, आपको पता चल जाए कि उसकी लोकेशन क्या है और आप वहाँ पे किस तरह से गुजारा करेंगी। नेक्स्ट है कि प्री रजिस्टर्ड टू हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में आपने डिलीवरी करवानी है वहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। इस स्टेज पे ज़रूरी होता है क्योंकि फिर उसके बाद डॉक्टर्स को अच्छा नहीं लगता। थर्ड जो चीज़ है वो है कि आप अपने बच्चे को टाइम दें, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस स्टेज पे बेबी आपकी बातें सुन रहा होता है, इसलिए आप उसके साथ वो बातें करें जो आप उसके साथ करना चाहते हैं उसके पैदा होने के बाद, ताकि जब पैदा होने के बाद आप बातें करें तो वो उसके ऊपर उसी तरह रिस्पॉन्ड करे और उसको आप ज़्यादा रोने की बीमारी नहीं होगी इस तरह, और वो आपके साथ इजी महसूस करेगा। पोजीशन बेबी की इस वक्त इस वीक में साइड वाइज ही होगी, ट्रांसवर्स होगी, डायगोनल होगी, और अगले आने वाले वीक्स में भी मैं आपको पोजीशन डिस्कस करती जाऊंगी कि कब वो सीधा हो जाएगा और कब वो उल्टा होगा। तो अब तक के वीक में ये टेढ़ा होगा और इस स्टेज में भी आराम से जेंडर पता चल सकती है। और अगर आपको ये जो वीडियो है यूज़फुल लगी हो तो आप अपने कमेंट्स दीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने उन फीमेल बहनों के साथ जो न्यूली मदर्स बन रही हैं या जो अभी प्रेग्नेंट हुई हैं, क्योंकि नॉलेज को आगे पहुंचाना सबका जारिया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए, और अपनी कीमती राय हमें फीडबैक के ज़रिए देते रहें। और अगर आपने किसी टॉपिक के ऊपर हमसे हेल्प लेनी है या हमसे डिस्कस करनी है तो आप हमारे एफ पेज पे भी आ सकते हैं
उसके इनबॉक्स के ज़रिए आप हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट्स के ज़रिए भी हमसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।